पंजाब के चुनाव में जो षड्यंत्र चल रहा है उसका पर्दाफाश होगा। पंजाब में आंदोलन के नाम पर विदेशों से फंडिंग होती है। यह बात मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक ने उज्जैन में मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। डंक ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा बहुमत साबित कर जीत का परचम लहराएगी। अब इनके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। अब इनके नाम लेते तो फायदा क्या है? अब जहाँ पर ये कुछ बचे नहीं है और ये खुद ही कह रहे हैं कि अब आखिरी है, उनको भी लग गया कि अब आखिरी टाइम आ चुका है, तो इनके बारे में चर्चा करना, अपना समय व्यर्थ करना भला। करनी पाएगी, करेगी, 100% करेगी बीजेपी, क्योंकि वर्तमान में देश का जो माहौल है, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को संभाल के आगे विकास के रास्ते पर डाला है और जिस प्रकार से एकता के सूत्र में बांधा है, तो मेरा तो मानना है कि प्रत्येक देशवासी जो देश से प्यार करता है, देशभक्ति रखता है, तो मोदी जी से प्यार करता है। अरे वो पंजाब एक परिस्थिति के जो वहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है उसका भी धीरे धीरे पर्दाफाश होगा। वहाँ पर जो षड्यंत्र रचे गए हैं, वहाँ कुछ राजनीति षड्यंत्र, वो आपको भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पर आने वाले दिनों में उस वहाँ की जनता को एहसास होगा कि देश की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार सिख कौम ने अपनी शहादत दी है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं एकता की, आज वहाँ पर जब पाकिस्तान की बात करने वाले पर वहाँ पर राजनीति करते हैं, तो उनको भी पहचानना होगा। और जो एक आंदोलन के नाम पर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं विदेशों से भी जो फंडिंग होती है, तो उसको भी वहाँ पर ध्यान रख के देखना पड़ेगा। और देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता, और मुझे विश्वास है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती से। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।